ओम शांति। आज संडे है और हम सब पुनः गहन तपस्या के द्वारा अपने विकर्मों को नष्ट करेंगे और सभी को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देंगे। विशेष रूप से मैं विश्व कल्याणकारी पूर्वज हूँ, मुझे सबका कल्याण करना है, इस फीलिंग में रहेंगे और आज सारा दिन फोकस करेंगे तीनों लोकों में जाने का। तीनों लोक ही हमारे घर हैं। जैसे घर में मनुष्य सहज भाव से जाता है और घर में जाकर जो चैन शांति और विश्राम मिलता है वो बाहर किसी सुंदर होटल में नहीं मिलता, तो आज हम तीनों लोकों की सैर करेंगे और बहुत अच्छा अपना साधना का प्रोग्राम रखेंगे। अंतर्मुखता हमारी साधनाओं का बीज है। कोई अगर सारा दिन मौन रख सके तो और अच्छा, मौन रखकर व्रत भी रख लें, बिल्कुल हल्का भोजन से हमको करें तो शारीरिक शुद्धि भी बहुत अच्छी हो जाएगी। वैसे भी हफ्ते में एक दिन मौन और व्रत रखना दोनों ही परम आवश्यक हैं। जिनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती वो ऐसा अवश्य करें तो कई टॉक्सिन्स शरीर से बाहर आ जाएंगे। तो आज हम अपने से चिंतन करते रहेंगे, मुझे महान बनना है, विजयी रत्न बनना है, ताकि मैं बाबा के महान कार्यों में योगदान दे सकूं। जो विजयी रत्न बन जाएंगे वो जहाँ भी स्थित होंगे वहाँ चारों ओर अनेक लोग अपने को सुरक्षित अनुभव करेंगे। ये इस ड्रामा की ब्यूटी है कि इस ड्रामा में बाबा ने अपने विजय रत्नों को भारत में विशेष रूप से अलग अलग जगह पर रखा है, थोड़े विदेश में भी। जहाँ वो हैं उनकी उपस्थिति, उनके वाइब्रेशंस अनेकों के लिए लाइट हाउस का काम करेंगे। तो हम संकल्प कर लें, हमें विजयी रत्न बनना है और इसके लिए चाहिए बहुत अच्छी प्योरिटी, बहुत श्रेष्ठ योग, कम से कम 8 घंटे, और मैं और मेरे पर संपूर्ण विजय, निर्मल स्थिति हो जाए, क्रोध आदि सब छूट जाए। ये है विजयी रत्नों की पहचान। तो आज सारा दिन हम इस स्वमान में भी रहेंगे, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, इस माया को मैंने कल्प कल्प जीता है, इसको जीतना अब भी बिल्कुल सहज है। सबसे पहले हमें कर्मेंद्रियों को शीतल करना है ताकि काम वासना का वेग पूरी तरह से समाप्त हो जाए। गीता में ये बहुत सुंदर शब्द हैं, मुझे बहुत प्रिय लगे, जो योगी काम क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है वही सच्चा योगी है। हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। इन विकारों को हमने बारंबार जीता है, हजारों लाखों करोड़ों बार जीता है, अब भी इन्हें जीतना हमारे लिए खेल के समान है। तो आज सारा दिन सुंदर चिंतन करते हुए योग युक्त रहने का अभ्यास करेंगे। ज्यादा समय परम धाम में कैसे करेंगे? मैं आत्मा इस देह में मस्तक सिंहासन पर हूँ, भकुटी की कुटिया में हूँ, ये देह भी तो मेरा घर है। बिल्कुल अंदर चले जाएं, मैं यहाँ संपूर्ण शांत हूँ, बहुत सुखी हूँ इस घर में, मैं संपूर्ण पवित्र हूँ। फिर सूक्ष्म लोक में चलें, बाप दादा सामने हैं, बहुत क्लियर दिखाई दें बाप दादा,
ब्रह्मा बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य से बाबा चमक रहे हैं, क्लियर। सामने से उनकी रंग बिरंगी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और अब बाबा ने अपनी हजार भुजाएं मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया के रूप में फैला दी हैं। अब बाबा ने वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और वरदान दिया, बच्चे विघ्न विनाशक भव स्वीकार कर लें। बाबा दृष्टि दे रहे हैं और दृष्टि लेते लेते हम पहुंच गए परम धाम, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे उनकी संपूर्ण किरणें मुझ में समाने लगी। लंबा समय इसका अभ्यास करेंगे और फिर हम वहां से आ गए नीचे अपनी इस देह में। तो आज मुरली के समय फरिश्ते की ड्रेस पहनेंगे, पुनः दोनों अभ्यास रखेंगे, ये तीनों लोकों में जाना और ये फरिश्ते की ड्रेस पहनना। मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलती हैं, ये अभ्यास करते रहेंगे। शाम को विशेष रूप से ग्लोब पर बैठकर सारे विश्व को सकाश देंगे और रात को बाबा के नाम एक पूरा पत्र लिखेंगे, आज हमारी स्थिति कैसी रही, हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या पाया। हमें पूर्ण विश्वास है आज का हमारा ये दिन बहुत आनंदकारी होगा। ओम शांति।